अराउंड 1 month से यूज़ कर रहा हूँ मैं रियलमी 9 5G SE को। यूजेज एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन कॉन्स भी मिले हैं एंड प्रोज की भी लिस्ट है, दोनों देखेंगे इस डिटेल्ड रिव्यू में। शुरुआत अनबॉक्सिंग के साथ करते हैं। और नाइस टेक्सचर्ड बॉक्स है, अच्छी पैकेजिंग, सैमसंग वाले देखेंगे तो नहीं, पर फिर भी चार्जर की जगह इधर ही है, एटलीस्ट बजट एंड मिड रेंज स्मार्टफोन्स के लिए। सो नाइस थिन एंड लाइट डिवाइस, मोस्टली प्लास्टिक से बना हुआ, कैमरा बम्प मेटल है और बैक पैनल थोड़ा चीप फील हो सकता है, लेकिन मैट फिनिशिंग और ये स्टारी डिजाइन सही लग रहा है। 6.6 इंच डिस्प्ले, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन और 144Hz रिफ्रेश रेट है। ऊपर 16 मेगापिक्सल कैमरा और पीछे 48MP कैमरा है, 22MP का कुछ और भी है। 22 मेगापिक्सल सही रहते हैं वैसे, कम से कम डिटेल तो होती है पिक्चर्स में, एंड अल्ट्रा वाइड तो वैसे भी कौन ही यूज करता है आजकल, 2 मेगापिक्सल 8K बेस्ट है। नाउ कबाड़ एप्स को अनइंस्टॉल करने के बाद जो सिस्टम एप्स यूज नहीं करने उनके नोटिफिकेशंस और परमिशंस को डिसेबल करें, और पेमेंट वाले एप्स के लिए पेमेंट मॉनिटरिंग को डिसेबल करें, देन सॉफ्टवेयर फाइन और यूजेबल है। पेमेंट मॉनिटरिंग का ख्याल गूगल ने ऑफकोर्स रखा होगा एंड्रॉयड OS में, बाकी पेमेंट एप्स रखेंगे। रियलमी को अपने UI का ख्याल रखना चाहिए, खैर बाकी एरियाज में ख्याल रखा है रियलमी ने, क्योंकि फास्ट एंड फ्लूइड एंड स्नैपी रियलमी UI लगा मुझे इस फोन पर। एंड्रॉयड वर्जन 11 है आउट ऑफ द बॉक्स और सिक्योरिटी पैच फिलहाल मार्च है। ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस रियलमी 9 5G का अच्छा लगा मुझे, बस इनिशियली सेटिंग्स के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बाकी 144Hz रिफ्रेश रेट भी है तो स्मूथनेस की कोई कमी नहीं है और फीचर्स भी अच्छे हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जिन्हें कुछ ही देर में डिस्कस करेंगे। सो फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑल्सो वर्क्स वेरी वेल, नो इश्यूज देयर, और फेस अनलॉक भी बढ़िया है, क्लोज्ड आईज प्रिवेंशन इज ऑल्सो गुड, सो अनलॉकिंग से रिलेटेड कोई कंप्लेंट्स नहीं है मेरी। नाउ गुड क्वालिटी IPS LCD पैनल यूज किया है यहाँ पे रियलमी ने, कलर्स और व्यूइंग एंगल्स दोनों बढ़िया हैं, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी है, सो 1080p प्लेबैक मिलेगा, और ब्राइटनेस इंडोर्स के लिए सही है और आउटडोर्स के लिए कम लगी मुझे। यस AMOLED होता तो ब्लैक लेवल्स भी बढ़िया मिलते, प्लस डिस्प्ले भी और अच्छा होता, लेकिन बाकी स्पेक्स और प्राइस को देखते हुए बुरा नहीं लगा मुझे डिस्प्ले Realme 9 5G SE का, और मैं डेफिनेटली यूज़ कर सकता हूँ स्पेशली 144Hz रिफ्रेश रेट के लिए। 120Hz के कंपैरिजन में कुछ खास डिफरेंस नहीं लगेगा, लेकिन 90 और 60 के कंपैरिजन में फिर भी थोड़ा नोटिसेबल है। ओवरऑल डिसेंट डिस्प्ले एक्सपीरियंस है स्मार्टफोन का। सो सिंगल स्पीकर से कुछ खास एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मेरी, और इसने एवरेज निकल के सिखा दिया कि एक्सपेक्टेशंस आगे भी नहीं रखनी है। 3.5mm जैक है, साउंड क्वालिटी भी डिसेंट है, और एनहांस करने के लिए रियल साउंड टेक्नोलॉजी फीचर भी है विच इज़ प्रेटी गुड। कॉलिंग और माइक क्वालिटी भी डिसेंट है, प्लस सेंसर्स भी सही काम करते हैं, सो नो कंप्लेंट्स देयर। सो रियलमी 9 5G स्पीड एडिशन नाम है इस फोन का, और SoC भी 778G है। अब G से बहुत कुछ होता है, लेकिन हम रिस्पेक्ट वाला G लेंगे, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्पीड एंड G जो कुछ भी लगा है वो सब जस्टिफाइड है, क्योंकि काफ़ी फास्ट एंड स्नैपी स्मार्टफोन है ये। पॉपुलर एप्स की लोडिंग और यूजेज से रिलेटेड कोई इशूज फेस नहीं किए मैंने, लेकिन बैकग्राउंड में रन होने वाले कुछ अनपॉपुलर एप्स के साथ इशू हो सकता है, जैसे एक इंटरवल टाइमर ऐप यूज़ करता हूँ मैं, और ये बैकग्राउंड में रन नहीं किया ठीक से इस फ़ोन पर, बैकग्राउंड एक्टिविटी को अलाउ करने के बाद भी, विच इज़ प्रिटी बैड। रैम मैनेजमेंट ऑल्सो बहुत अच्छा नहीं है इस 6GB रैम वेरिएंट में, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, मे बी 8GB रैम वेरिएंट में बेटर होगा इससे। गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है फॉर द प्राइस, एंड गेम्स लोड भी फेयरली क्विक होते हैं, BGMI को स्मूथ एक्सट्रीम या HDR अल्ट्रा पर प्ले कर सकते हैं।
ऑल्सो फ़ोन में पावरफुल एसओसी होने के काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट वाला विंटर सीजन में काफ़ी काम आता है क्योंकि हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हाथ वगैरह जो भी सेकना है अच्छे से सेक सकते हो इससे। मतलब हीट होता है ये डिवाइस स्पेशली गेमिंग और कैमरा को यूज़ करते हुए। ना बहुत ज़्यादा एक्सेसिव या अनटॉलरेबल प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल कूलिंग सिस्टम बेटर होना चाहिए था। नाउ एज फार एज द कैमरा ऐप इज़ कंसर्न्ड, जूम फोटोज़ और वीडियोज़ के लिए अप टू 10x है, ऑटो HDR का ऑप्शन है, सेटिंग्स। स्टेबल वीडियोज़ के लिए अल्ट्रा स्टेडी मोड है एंड अप टू 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं रियर कैमरा से, वाइल फ्रंट कैमरा अप टू 1080p 30fps तक जाएगा। नाइट मोड एंड प्रो नाइट मोड अच्छा एडिशन है। अदर देन दैट मूवी मोड या प्रो वीडियो मोड अच्छा फीचर लगा मुझे। पिक्चर क्वालिटी कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं इस फ़ोन से, लेकिन सरप्राइजिंगली अच्छी लगी मुझे रियर कैमरा से ली हुई मोस्ट फोटोज़। समटाइम्स कलर्स थोड़े एक्स्ट्रा वाइब्रेंट और पंची लगते हैं, लेकिन गुड लाइट में क्लिक की हुई मोस्ट फोटोज़ सही लगी मुझे फॉर द प्राइस। ऑल्सो बढ़िया SoC की वजह से इमेज प्रोसेसिंग भी ठीक है, विच रिजल्ट्स इन डिसेंट पिक्चर्स। वाइल लो लाइट में बहुत मज़ेदार रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे रियलमी 9SE से। एंड फ्रंट कैमरा भी एवरेज है एट बेस्ट, सेल्फी सॉफ्ट आती हैं, वीडियो क्वालिटी काम चला हुआ है, मतलब गुड लाइटिंग में काम चल जाएगा, लो लाइट में भी चल जाएगा वैसे, लेकिन लो लाइट में क्वालिटी बेकार है। बट देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि लो लाइट में कैमरा बिल्कुल अनयूजेबल है, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए अच्छी लाइट इंपॉर्टेंट है। एंड ओवरऑल कैमरा एक्सपीरियंस ओके है फॉर द प्राइस, बट वाइड एंगल कैमरा डेफिनेटली देना चाहिए था रियलमी को। सो मैंने पूरा टाइम 144 हर्ट्ज़ पर यूज़ किया है इस फ़ोन को, एंड ऐसे में लाइट टू मॉडरेट यूजेज पर पूरा दिन चलता है, लेकिन गेमिंग या कैमरा यूज़ ज़्यादा हो तो शाम को या रात को चार्ज करना पड़ेगा। एंड बेटर बैटरी बैकअप के लिए ऑफकोर्स 90 हर्ट्ज़ या ऑटो रिफ्रेश रेट के साथ यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल वन डे फ़ोन तो डेफिनेटली है ये। प्रोज में परफॉर्मेंस है, साथ में एक्स्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले अच्छा है, AMOLED नहीं है ऑफकोर्स, बट अच्छा LCD पैनल है। अदर देन दैट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा है और सैमसंग और शाओमी के बजट फ़ोन से बेटर लगा मुझे। ब्लोटवेयर एक इशू है जिसके लिए इनिशियली सेटिंग्स वगैरह करनी पड़ेंगी जो हमने पहले डिस्कस करी थी, प्लस अनपॉपुलर बैकग्राउंड में रन होने वाले ऐप्स के साथ इशू हो सकता है, बट फीचर्स वाइज भी सही है और लैग फ्री भी है, इसलिए प्रोज में कंसिडर किया जा सकता है, मैं कर रहा हूँ। कॉन्स में अल्ट्रा वाइड कैमरा, उसके अलावा हीटर्स की मार्केट को ख़राब करना वो भी एक कॉन है। अगेन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीटिंग नहीं है, लेकिन ठीक ठाक सिक जाता है ये गेमिंग और कैमरा यूज़ के टाइम पर। प्लस वाइब्रेशन मोटर भी कुछ खास नहीं है और सैमसंग SSD कनेक्ट नहीं हुई मुझसे इस फ़ोन पर। नाउ ओवरऑल 15,000 से 20,000 के प्राइस ब्रैकेट में एक अच्छा परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन है रियलमी 9 5G SE, और डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स को कंसिडर करते हुए। एंड इस अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू, एंड कॉमेंट सेक्शन में Realme 9 5G लिख दो जिससे मुझे पता लग जाए कि आपने पूरा वीडियो देखा है। प्लस कोई भी डाउट क्वेश्चन या सजेशन हो तो कॉमेंट सेक्शन अगेन, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।